आयुर्वेद जड़ी बूटियों के सेवन की ओर लोगों का झुकाव अधिक देखने को अब मिल रहा है। आयुर्वेद की दवाएं कोरोना काल से और भी लोगों के बीच ज्यादा प्रचलन में आ चुकी हैं। अब हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद से संभव है। वहीं छपरा शहर में हनुमान आयुर्वेद भंडार का हुआ उद्घाटन, शहर के कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। शहर के सलीमपुर स्थित हनुमान आयुर्वेद भंडार का हुआ विधिवत उद्घाटन, जहां अब आयुर्वेद की सभी दवाएं जड़ी बूटी यहां सस्ते दामों में उपलब्ध होंगी। आयुर्वेद की ओर लोगों को बढ़ते विश्वास को लेकर जहां एक की जगह सारी दवाएं एवं जड़ी बूटी उपलब्ध हो जाए, इसलिए हनुमान आयुर्वेद भंडार का विधिवत उद्घाटन किया गया, जिसमें आम लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। वहीं आयुर्वेद भंडार के निर्देशक धर्मनाथ मिश्रा ने बताया कि ऐसे प्रतिष्ठान से अब लोगों का एक ही जगह लगभग सारी आयुर्वेद की दवाएं मिल जाएंगी। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। कानून के उद्घाटन से ज्यादा जो आयुर्वेद का हमारा जो आज की डेट में जो महत्व बढ़ा है, खासकर कोरोना वायरस के बाद से आयुर्वेद से कितने लोगों का जो विश्वास बढ़ा है वो सबसे बड़ी बात है। देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन का भी अपना एक अलग स्थान है, लेकिन चूंकि आयुर्वेद में क्या कैपेसिटी है और कितना वो कर सकता है, इसका साक्षात उदाहरण कोरोना पीरियड में मिला सकता है। जो इम्यूनिटी है या अंदर से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जितनी भी दवाइयां यहां हमारे पास है, उनकी दवाइयां किसी से भी पास नहीं। देखिए, आयुर्वेद क्या है ना कि ये तो पुरानी, सदियों पुरानी हमारी एक पद्धति है, इतने समय से आज भी प्रचलित है। इसका मतलब इसी में कारगर है, इसका महत्व छुपा हुआ है। कारगर अगर नहीं होता तो ये सदियों पुरानी पद्धति आज के डेट में नहीं है। लोगों का झुकाव आयुर्वेद की तरफ हो रहा है, लोगों का ऑटोमेटिकली कोरोना के बाद से आप देखिएगा तो आयुर्वेद का जो हमारा प्रचलन है वो और बढ़ा है, इसका टर्नओवर भी बढ़ा है। और आप जगह जगह देखिएगा आयुर्वेद का और भी कई काउंटर्स, कई ये खुल रहे हैं। बैद्यनाथ खासकर आयुर्वेद में बहुत पुरानी कंपनी है, और आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद केमिकल सोल्यूशन का मिला के दवाई नहीं बनता है, इसमें जड़ी बूटी। और क्या मैसेज देंगे लोगों को आयुर्वेद को लेकर? लोगों को यही मैसेज देना है कि आयुर्वेद जो है ना उसको अपनाइए, ये हमारी अपनी पद्धति है, और जितना जड़ से ये दवाओं मतलब रोगों को ठीक करती है। मुझे लगता है कि एलोपैथ में इसकी एक कमी है, आपको तुरंत रिलीफ के लिए एलोपैथ आपको आपके लिए है, लेकिन जो आपकी पुरानी बीमारियां हैं जो कई समय से आपके पास, खासकर पेट की बीमारियों से रिलेटेड आयुर्वेद में जितनी अच्छी दवाएं हैं, मेरे ख्याल से अभी वहाँ एलोपैथ में नहीं है। फीवर की दवा जो भी है, परिचय दे दिया। मेरा नाम गगन कुमार झा हूँ, मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग का शोरूम आज नए तरीका से खोला गया है। हमारे बैद्यनाथ कंपनी से प्रबंधक गगन जी द्वारा उद्घाटन किया गया और ग्राहकों को कंपनी के द्वारा 10-15% निवेश छूट मिलता है। क्या नाम आपका? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।